इनके बूथों पर आने वाले समय में और फिरोजाबाद में भूत नाचेंगे, आदमी नहीं दिखाई देगा। और जब से समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है। क्या क्या वादा करके गए थे आपसे, झूठ बोल के गए थे, बताओ। हमारे किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई, आलू की पैदावार की कीमत मिल गई आपको, और डीजल पेट्रोल जिस तरीके से महंगा हुआ है, आज आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और जब से ये आए हैं इन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए। आप पता कर लेना, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, और रेलवे स्टेशन के आसपास की जितनी भी रेलवे की जमीन है वो बेच रहे हैं, और पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिए, और ये इसलिए बेच रहे हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो बताओ आरक्षण कहां मिलेगा आपको, जब हर चीज बिक जाएगी तो बताओ हमारा कहां है आरक्षण, हमारा आपका है आरक्षण। तो इसलिए इनसे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। और जब से वोट पड़ा है, इनके बूथों पर आने वाले समय में और फिरोजाबाद में भूत नाचेंगे, आदमी नहीं दिखाई देगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे घरेलू बिजली के बिल 300 यूनिट माफ होंगे, किसी को 300 यूनिट का बिल नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और उनका ट्रांसफॉर्मर फूक गया है। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, बताओ वो जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अभी ठीक कहा जयंत चौधरी जी ने कि इसी जिले में एक परिवार के पिता और पुत्र को बताओ सांड ने जान ले ली। ये सांड से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, ये बताओ सांड तक नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो बताओ नौजवानों को लैपटॉप टैबलेट और कंप्यूटर कब दे पाएंगे। इधर सुना है बहुत अनाज दे रही है ये सरकार, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे, ये पहले राशन नवंबर तक था, जैसे ही चुनाव आ गया इन्होंने मार्च तक कर दिया, और मार्च के बाद के लिए इन्होंने दिल्ली के बजट में पैसा नहीं रखा है। इसलिए हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो ये राशन तब तक मिलता रहेगा जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, और न केवल राशन गरीबों को मिलेगा बल्कि गरीब का हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो। अगर पौष्टिक खाने के लिए हमें फ्री सरसों का तेल और घी भी देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। अगर भाजपा ही आए तो उनके लिए तैयार रखना एक चारपाई और अच्छी तरह बैठा लेना, और वही गाना गाना कि भाई क्या हुआ तेरा वादा वाला।
बताओ उनसे पूछोगे कि नहीं पूछोगे, क्या क्या वादा करके गए थे आपसे, झूठ बोल के गए थे, तो इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे।